इन दिस वीडियो लेक्चर आज हम आपको ऑप्टिक्स का फर्स्ट यूनिट में एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इस लेक्चर्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स में हम जानते हैं, ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, वी रीड अबाउट द लाइट। लाइट को हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में भी अब यहाँ दो तरह की ऑप्टिक्स हो गई, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जैसे आपने अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लाइट के बारे में, जैसे आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मिरर, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ ऑप्टिक्स में। तो ये सब चीज़ें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कह सकते हैं कि एपरेटस के बारे में पढ़ते हैं, एपरेटस जैसे लेंस और मिरर, प्रिज्म, और इनसे रिलेटेड प्रकाश की घटनाएं, इन सब में क्या होता है, या तो परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम वहीं तक ही कन्फाइंड रखते हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के जो कैरेक्टर हैं कुछ, जैसे प्रकाश व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण इंटरफ्रेंस, प्रकाश विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, डिफ्रैक्शन, डबल डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रकाश क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश क्या शो करता है? इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस मतलब व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो ये इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, घटनाएं हैं जो प्रकाश प्रदर्शित करता है, इन सब के बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ जाते हैं दोबारा। तो अब ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है फर्मट प्रिंसिपल। फर्मट का सिद्धांत, तो फर्मट एक वैज्ञानिक का नाम है। तो फर्मट का सिद्धांत है, फर्मट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। फर्मट कौन था? एक वैज्ञानिक। उसने प्रकाश के संचरण के बारे में एक सिद्धांत दिया था, वो फर्मट का सिद्धांत हो गया। तो फर्मट का सिद्धांत क्या है? बेसिकली प्रकाश के संचरण से रिलेटेड एक सिद्धांत है। तो अब फर्मट ने क्या बताया था कि प्रकाश जब संचरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक,
तो कई घटनाएं हो सकती हैं, परावर्तित होकर के संचरित हो रहा है, अपवर्तित होकर के संचरित होता है। जैसे ये दर्पण है मेरा, है, और प्रकाश इस बिंदु से इस बिंदु तक आ रहा है, तो डायरेक्ट में जाकर के इधर दर्पण तक आता है और इधर परावर्तित होकर यहाँ आ जाता है। ये देखिए, और ऐसे प्रकाश मान लीजिए अपवर्तन से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। ये मान लीजिए एक कांच की प्लेट है, प्रकाश यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुंचता है, तो ये इस रमे से कांच की प्लेट में से गुजरता हुआ पहुंचता है। तो कांच की प्लेट में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो क्या हुआ, अपवर्तन होता है, उसकी घटना आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या तो परावर्तन से अपवर्तन से इस प्रकार जब पहुंचता है, तो उसके द्वारा जो तय किया गया रास्ता है, तय की गई दूरी, और कभी कभी हम गए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगा समय, इसके बारे में फर्मट ने बताया था। तो वही सिद्धांत है, फर्मट ने क्या बताया था देखिए, तो मैं पहले बोलता हूँ, आप अच्छे तरह समझिए इसको। प्रकाश किरण जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा जाती है और एक से ज्यादा रास्तों से जाती है, प्रकाश मान लीजिए ये एक तल है, अब इस तल में प्रकाश यहां से यहां तक पहुंचा, प्रकाश यहां से यहां तक इस रास्ते से भी पहुंच सकता है, प्रकाश यहां से यहां तक इस और रास्ते से पहुंच सकता है? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अब कई रास्तों से पहुंच सकता है, तो अब प्रकाश कौन सा रास्ता तय करेगा? इसके बारे में फर्मट ने बताया था। तो प्रकाश उस रास्ते को तय करेगा कि या तो वो रास्ता मैक्सिमम होगा, सबसे बड़ा रास्ता होगा, या वो रास्ता सबसे छोटा रास्ता होगा, या एक स्थिर रास्ता होगा। मतलब ऐसा रास्ता होगा कि उसमें बार जाने से, बार बार अलग अलग रास्ते जाने से दूरी और समय कांस्टेंट रहेंगे। तो नेट प्रकाश कौन सा रास्ता तय करेगा कि या तो तय की गई दूरी या लगा समय अधिकतम हो या न्यूनतम हो या स्थिर हो। तीन बातें मैं इसको लिख देता हूं, प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा उस मार्ग से जाती है जिसमें या तो अधिकतम समय लगे, जिसमें या तो अधिकतम समय लगे या न्यूनतम समय लगे,
अब अधिकतम या न्यूनतम क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं, है? तो प्रकाश की किरण उस रास्ते के द्वारा जाती है जिसमें या तो अधिकतम समय लगे या न्यूनतम समय लगे। तो ये मैंने समय के साथ फर्मट का सिद्धांत बताया है। इसको दूसरे शब्दों में हम दूरी के साथ भी बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा उस मार्ग से जाती है जिसमें उसके द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम हो या न्यूनतम हो। अधिकतम या न्यूनतम का मतलब फिक्स कांस्टेंट है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना आपने मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। अब उस कांस्टेंट का आपने अवकलन पढ़ा होगा, अवकलन कांस्टेंट का क्या होता है, शून्य होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम भी क्या कहती है कि जब मैक्सिमम हो जाती है किसी वेरिएबल का मान तो उसका अवकलन शून्य हो जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये फर्मट का प्रिंसिपल है। तो अब हम फर्मट प्रिंसिपल को शब्दों में तो लिख दिया, अब मैं इसको मैथमेटिकली और लिख देता हूँ। तो मैथमेटिकली एक बार फिर इस बोर्ड को साफ करते हैं। गणितीय रूप में क्या करते हैं कि अब मान लीजिए प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक गति करता है तो तय की गई दूरी मान लीजिए डीएस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए वेग कितना है। तो ये तो दूरी और वी हो गई वेग। तो समय क्या हो गया, दूरी बटे वेग। तो समय क्या होता है, अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस डीएस में वी वेग से जाए तो समय लगता है डीटी बराबर डीएस अपॉन वी, और ए बिंदु से बी बिंदु तक लगा कुल समय टी बराबर इंटीग्रल डीटी बराबर इंटीग्रल डीएस अपॉन वी। तो ये समय हो गया ए से बी तक, हम लिमिट लिख देते हैं ए से बी तक। तो ये तो लगा पूरा समय है ए से बी तक, और डीटी समय क्या है, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट तय करने में लगा समय। डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएस, और ये वी है वेलोसिटी कांस्टेंट है मान लीजिए है। तो ये लगा हमारे पास समय ये। तो अब ये समय है क्या है, या तो मैक्सिमम है ये ए से बी तक इंटीग्रल डीएस अपॉन वी, तो ये क्या है, या तो मैक्सिमम है या इसका मान मिनिमम है। फर्मट प्रिंसिपल ये कह रहा है दिस इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। और ये हमने इसको एयर में चला हुआ मान लेते हैं। अगर मान लीजिए ये सारी चीज, ये प्रकाश का गमन किसी माध्यम में हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर हम जानते हैं सी अपॉन वी होता है। तो वी बराबर हम लिख सकते हैं सी अपॉन म्यू। तो फर्मट प्रिंसिपल ए से बी तक डी एस और वी की जगह सी और यहाँ म्यू, तो ये हो गया। तो ये मैक्सिमा हो या मिनिमा ये हो सकता है। तो ये फर्मट प्रिंसिपल का एक मैथमेटिकल फॉर्म हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमने किसके में बारे में बताया, समय के बारे में है। और सी तो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट से हटा दें, मैक्सिमा मिनिमा के इधर ले जाएं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू इंटू डी एस ए से बी तक। ये क्या हुई, ये तय की गई दूरी हो गई, प्रकाश ये दूरी है, म्यू अपवर्तनांक में हो गई ना, म्यू अपवर्तनांक में प्रकाश ये दूरी, ये भी क्या हो जाएगी सी इधर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा मैक्सिमा या मिनिमा।
तो ये फर्मट प्रिंसिपल दूरी की फॉर्म में है, तो तय की गई हुई दूरी या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी या हम कहें स्थिर होगी, तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो अब हम देखिए, इससे हम एक चीज और बता सकते, एक बात और बता सकते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालें, मैंने बताया ना कि अगर कोई चीज मैक्सिमा मिनिमा है तो उसका डिफरेंशियल शून्य होगा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं ए से बी तक तो म्यू इंटू डी एस बराबर शून्य। तो डिफरेंशिएट इसका शून्य होगा, डिफरेंशिएट शून्य होने से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि ये डिस्टेंस है, ये मान लीजिए हम मानते हैं मिनिमम है, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, एक सरल रेखा होती है हमेशा है। तो फॉर्मेटी प्रिंसिपल के हिसाब से म्यू इंटू डी एस डिस्टेंस है ये शून्य है, मिनिमम डिस्टेंस उसका डिफरेंशिएशन शून्य है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है और मिनिमम है और एक सरल रेखा है। तो प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। तो ये इसका एक वो है महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलता है इससे। तो ये मैंने आपको आज बता दिया फर्मट प्रिंसिपल। अब हम फर्मट प्रिंसिपल के उपयोग निकालेंगे, फर्मट प्रिंसिपल के उपयोग या अनुप्रयोग। फर्मट सिद्धांत के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग दो होते हैं हमारे कोर्स में है, जो कि फर्मट प्रिंसिपल से परावर्तन नियम की स्थापना और दूसरा फर्मट प्रिंसिपल से अपवर्तन नियम की स्थापना। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों नियमों की स्थापना करेंगे फर्मट प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो आज हमारा ये इनिशियल फर्स्ट लेक्चर था है, तो नेक्स्ट से आप और आइए और इसमें यूज़ कीजिए इसको है, और थोड़ी क्वालिटी और चेंज करेंगे, पहले टेक्निकल क्वालिटी वगैरह जो है इसकी। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।